जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुहास और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुहास यादव ब्लॉग्स में। तो जैसा कि कल हम बताए थे, सुबह में वो वाला सीन दिखाएंगे जो मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं, तो वो देख लीजिए। देख लिए होंगे तो आज के पर्व चौरचन के लिए हम लोग बाजार से फल लाने जा रहे हैं देश के साथ और एक बच्चा है काना। काना, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब बोलो कौन है? कौन है? हाय पर्सन, हाय। इधर देखो, बहुत ही क्यूट बच्चा है, हाय कर रहा है। आप लोग तो बाजार जाने से पहले दादी से आशीर्वाद ले लेते हैं। चलते हैं मार्केट। देखिए कान्हा गाड़ी चला रहा है, घुमाओ घुमाओ उसको, घुमाओ। वाह, आगे का सीन देखिए, रोड पे कितना धुआं है। कान्हा और क्या खाओगे? और क्या खाओगे? और लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, देखिए इसको पंजाबी तड़का और लॉलीपॉप चाहिए। तो अभी हम लोग बाजार से आ चुके हैं और अभी मैं नहा धोकर खाना खाकर रेडी हो जाता हूँ फटाक से, और मैं हो चुका हूँ तैयार। आज मैं आपको मेरे यहाँ कैसे चौरचन मनाया जाता है वो दिखाऊंगा। मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए फिर। और यहाँ मम्मी जो है वो पूजा के लिए पकवान तैयार कर रही है, देखिए। और ये बन रहा है खास्ता। और अभी ठेकुआ बन रहा है। और ये मिट्टी के बने इस चूल्हे को ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है, और पूजा का सारा पकवान जो है इसी चूल्हे से बनाया जाता है। तो इस पूजा को शाम में चांद निकलने के बाद उसको देख के छठ के तरह अर्घ लगाया जाता है, और चांद निकलने के बाद ही पूजा शुरू होता है। तो अभी आसमान में चांद दिखने लगा है तो अब पूजा शुरू होने वाला है। तो सारे पकवान बन के तैयार हो चुके हैं और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। तो मम्मी बारी बारी से सभी पकवान को लेके अर्घ दे रही है और मैं उस पे जल चढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ है।
तो पूजा खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा पूजा, और आज गणेश चतुर्थी भी है तो आप लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और कल मेरे भाई प्रियांशु का बर्थडे है, वहाँ पे ग्रैंड पार्टी है, तो कल का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।